स्वीडन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद निवेदिता कार्की का पिथौरागढ़ लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान परिजनों और लोगों ने निवेदिता कार्की को जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई भी दी। दरअसल निवेदिता ने 48 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में आयरलैंड की कैरलैग मारिया को 5-0 के अंतर से पराजित किया था। वहीं निवेदिता अपनी इस उपलब्धि पर बहुत खुश है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता के साथ कोच को दिया। निवेदिता का कहना है कि उसका अगला लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, कोचेस एंड टीचर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी। मैं स्वीडन में मेरी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी जो कि द गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप है, जिसमें मैंने आयरलैंड फाइनल में आयरलैंड की एक लड़की थी, बॉक्सर थी, उसको 0-5 से हराया। और मैं बहुत खुश हूँ जब मेरा नाम इंडिया के साथ जोड़ा गया था। मैं बहुत खुश हुई जब मेरा नाम लिया गया। मैंने बहुत प्राउड फील किया उस टाइम कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अपने देश के लिए कुछ किया। मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल दूँ अपने देश को। और अभी सितंबर में हमारी एशियन जूनियर चैंपियनशिप होगी, तो अभी फिलहाल वही मेरा टारगेट है, एशियन जूनियर चैंपियनशिप, जिसमें मैं गोल्ड लेके आऊँ अपने देश। आपको बता दें कि स्वीडन में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। निवेदिता ने इससे पहले सितंबर 2019 में हरियाणा के रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 46 से 48 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। साथ ही उन्होंने सितंबर 2018 में महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित सब जूनियर बालिका वर्ग की राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 46 से 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट।